हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा कैसे हैं आप सब तो फ्रेंड्स यूपीएससी ने आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकाला है रिलेटेड टू द 421 पोस्ट्स ऑफ योर एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर सो ईपीएफओ के पेपर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज एक ये इम्पोर्टेंट नोटिस है रिलेटेड टू द टाइम टेबल एंड द इंस्ट्रक्शन दैट हैव बीन टू द कैंडिडेट्स हु आर इन द एग्जामिनेशन ठीक है तो जल्दी से एक बार सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें देख लेते हैं ताकि अपने मन में कोई डाउट ना रहे हालांकि ये नोटिफिकेशन ये टाइम टेबल खुद में एक डाउट क्रिएट कर दे रहा है हमारा पर कोई बात नहीं उसको अपन सॉल्व कर लेंगे right. तो सबसे पहले तो डेट दोबारा से रिवाइज कर लो नाइन्थ में को आपका पेपर होना है कई बार बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि पेपर पिछले एक डेढ़ साल से डेट्स एक दो बार चेंज हो चुकी हैं और बच्चों को कंफ्यूजन है काफी बच्चे तो भूल भी गए होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा है शायद तो नौ मे दो तो अगर आप आज से काउंट करो दैट इज अप्रैल फर्स्ट से काउंट करो तो ऑलमोस्ट आपके पास एक महीना और आठ दिन बचते हैं पेपर के लिए अराउंड थर्टी एट डेज का आप टाइम लेकर के चलो ठीक है पेपर आपका दस बजे से बारह बजे तक होगा इंपॉर्टेंट है याद रखना है बच्चे भूल जाते हैं ओके एक ही पेपर होना है इसमें आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट इसमें क्या बताया गया है कि कैंडिडेट को रिपोर्ट करना है सेंटर के ऊपर कम से कम एक घंटा पहले ये तो पहले भी लिखा जाता था लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि 10 मिनट पहले गेट क्लोज हो जाएंगे यानी कि दस बजे पेपर शुरू होना है तो 9:50 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी देखो मैंने भी अपने टाइम पर पेपर दिए हैं मैं अभी भी कई बार जैसे एग्जाम्स वगैरह किसी फ्रेंड का हुआ चला गया तो बच्चे लेट होते ही होते हैं मुझे समझ नहीं आया आज तक कि वो बच्चे लेट क्यों होते हैं चलो एक आधा बच्चा तो है कि कोई इमरजेंसी आ गई समझ आता है पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई कारण नहीं होता उनके लेट होने का बस वो लेट है फिर वहां पर जाकर रिक्वेस्ट करते रहेंगे गालियां देंगे लड़ेंगे झगड़ेंगे उसमें कोई किसी की गलती नहीं है आपको पहले से उन्होंने बताया कि आपने दस मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा तो हो जाएगा तो उसमें वहां पर जाकर लड़ने झगड़ने का कोई फायदा नहीं होता तो कम से कम आप ये लेकर के चलें कि आपने नौ बजे सेंटर पर पहुंचना है ठीक है आप अपना नौ बजे का टारगेट लेकर के चले अगर आपका जो सेंटर है वो आउट स्टेशन है ठीक है आउट स्टेशन सेंटर है तो एक दिन पहले सेंटर एक दिन पहले उस जगह पर पहुंचे उस सिटी में पहुंचे और एक बार अपना सेंटर वहां पर जाकर के देखें एक दिन पहले शाम को कि यहां यहां मेरे को आना है अगले दिन ताकि आप टाइम से पहुंच जाओ उस दिन ये नहीं होना चाहिए कि घर से निकल रहे हो नौ बजे फिर सेंटर नहीं मिल रहा दस बजे सेंटर पहुंचे फिर वहां जाकर रो रहे हो कि मेरी तो पूरे साल की मेहनत खराब हो गई नौ बज के पचास मिनट से पहले पहले आपने पहुंच जाना है साढ़े नौ मैक्सिम है आपका वैसे तो नौ बजे आपने पहुंच जाना है ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता एक घंटा अगर इंतजार कर लोगे

और उसके बाद यहां पर आ जाओ यहां पर थोड़ी सी अब कंफ्यूजन क्रिएट होती है दो घंटे का पेपर होगा ये तो अपने को पहले भी पता था सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क कैरी करेंगे मल्टीपल चॉइस में होगा हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों में बुकलेट मिलेगी अब टेस्ट यहाँ पर हमें पहले जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था सबसे पहले उसमें हमें मार्क्स नहीं बताए गए थे तो इस बार इन्होंने मैक्सिमम मार्क्स बता दिया कि तीन नंबर का आपका ये पेपर होगा कितने नंबर का पेपर होगा तीन मार्क्स का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है इस नोटिफिकेशन का 300 नंबर का पेपर होगा पर यूपीएससी वाले इन्होंने कुछ ना कुछ तो छुपाना ही होता है अब इन्होंने क्या छुपा लिया यहाँ पर कि ये 300 नंबर में कितने क्वेश्चन पूछेंगे अब अगर हम पिछला पेपर देखते हैं दो वाला तो उसमें एक क्वेश्चन आए थे लेकिन उस टाइम पे पेपर 200 मार्क्स का था अब यहाँ पर क्वेश्चन कितने होंगे ये मिस्ट्री है 100 भी हो सकते हैं 120 भी हो सकते हैं अगर 100 क्वेश्चन हुए ठीक है अगर मैं आपको कहूँ

300 को अगर आप एक सौ बीस से डिवाइड करते हो तो आपके हर सही जवाब के बनेंगे ढाई नंबर और हर गलत जवाब के बनेंगे आपके ठीक है नेगेटिव तो हर गलत का पॉइंट एट थ्री कटेगा अब अभी तक इन्होंने हमको बताया नहीं है कि सौ क्वेश्चन आएंगे या एक सौ बीस क्वेश्चन आएंगे अगर कोई भी यूट्यूब के ऊपर कोई आपका ऑनलाइन इंस्टीट्यूट या टीचिंग इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहा है कि नहीं हमें पता है एक सौ बीस आएंगे या हमें पता है सौ आएंगे तो हो सकता है कि डायरेक्टली उनकी यूपीएससी के चेयरमैन के साथ सेटिंग हो मेरी अभी तक नहीं हुई है तो मुझे नहीं पता ठीक है थीके? उसके बाद सिलेबस ऑफ द टेस्ट ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाला ही सेम सिलेबस है ऑलराइट right, आपकी जनरल इंग्लिश है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ है जनरल साइंस है कंप्यूटर एप्लीकेशन है जनरल मेंटल एबिलिटी है और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया अब मैं अपनी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ देखो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं ऑलमोस्ट रोज ठीक है करंट इवेंट्स के ऊपर अभी जल्दी मैं आपके करंट इवेंट्स भी कवर करने वाला हूं इंडियन पॉलिटी पर भी आपको लेक्चर मिल रहे हैं इकोनमी पर भी मिलने शुरू हो जाएंगे अभी जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे ऑलमोस्ट सारा कोर्स रेडी है यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं सारे का सारा कोर्स फिर भी रेगुलरली रेगुलरलीडियोज एड हो रही है यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है जनरल साइंस एंड नॉलेज जनरल साइंस के एमसीक्यूज आपके साथ रेगुलरली रिवाइज हो रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के एमसीक्यूज भी रेगुलरली रिवाइज कर रहे हैं प्ले बनी हुई है ठीक है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया भी कर रहे हैं तो ये सारी प्लेलिस्ट आपके हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक आपने चैनल विजिट नहीं किया है तो चैनल विजिट करके देखिए सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा या फिर आप यूआरएल टाइप कर सकते हैं डब्ल्यू 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 डॉट यूट्यूब ठीक है स्लैश में शिक्षा डाल देना स्लैश में शिक्षा लिख दोगे तो डायरेक्टली आप उस पर आ जाओगे ऑल right, चलो आगे बात करते हैं वेटेज ऑफ द टेस्ट की अगर बात करें ओवरऑल सिलेक्शन की तो 75 परसेंट जो आपका ये रिटर्न टेस्ट हो रहा है उसकी वेटेज रहेगी फिर जिन लोगों का रिटर्न टेस्ट क्लियर हो जाएगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और 25 फाइव परसेंट वेटेज इंटरव्यू की रहेगी मतलब फाइनल जो रिक्रूटमेंट होगी वो दोनों के बेसिस पे होगी ये कंफ्यूजन मत रखना कि रिटर्न टेस्ट में अगर मैंने आ, बस क्वालिफाई कर लिया किसी तरह पॉइंट्स पे मैंने कट ऑफ क्लियर कर ली तो मेरा डेफिनेटली सिलेक्शन भी हो जाएगा क्योंकि जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें रिटर्न टेस्ट और आपका जो इंटरव्यू है दोनों लगेंगे और ज्यादा वेटेज आपके रिटर्न टेस्ट की है उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं उनको देख लेते हैं ठीक है तो टेस्ट वेन्यू पर ही आपने अपने टेस्ट आपको मिलेगा ये तो जनरल सी बातें हैं कि आपने ही टेस्ट वेन्यू पे आपको टेस्ट मिलेगा आपने, अपने अपने डॉक्यूमेंट सारे लेकर के जाने हैं ठीक है एंड रिक्रूटमेंट टेस्ट टेस्ट जो है आपने अपने रिस्क पर लेना है अगर कोई आ, आपकी एलिजिबिलिटी के अलावा भी आपने फॉर्म भर दिया और आपका एडमिट कार्ड आ गया तो बाद में अगर आपका क्लियर भी हो गया तो नौकरी आपको नहीं मिलेगी वो आपका रिस्क है ठीक है जी ई एडमिट कार्ड से रिलेटेड क्या है कि आपको अपना ई एडमिट कार्ड टाइमली जो है डाउनलोड कर लेना है जैसे ही अवेलेबल होगा वेबसाइट के ऊपर लास्ट डे के लिए उसमें इंतज़ार नहीं करना है जिस दिन ये एडमिट कार्ड आ गया उस दिन उसको डाउनलोड करना है उसको अच्छे से चेक करना है अगर आपको लगता है उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन गलत है आपका नाम गलत है आपके पिताजी का नाम गलत है आपकी डिग्री गलत है कुछ भी उसमें गलत है तो इमीडिएटली आपने यूपीएससी को कन्वे करना है ठीक है यूपीएससी के नंबर पर कॉल करना है या उनको ईमेल करना है कि मेरे एडमिट कार्ड में ये प्रॉब्लम आई है तो यूपीएससी जल्द से जल्द कोशिश करेगा कि उस एडमिट कार्ड को चेंज करके जो रिवाइज एडमिट कार्ड है अपडेट करे लेकिन अगर 9 तारीख को पेपर है और आपने 9 तारीख 8 तारीख को ही एडमिट कार्ड खोल के देख रहे हो तो उसमें आपकी गलती है फिर आप यूपीएससी को कोई ब्लेम नहीं कर सकते ठीक है फिर ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम है केतन गर्ग ठीक है एडमिट कार्ड पे आ गया केतना ठीक है मैं वहां पर अपना आईडी प्रूफ ले गया वो कह रहे हैं जी ये तो केतना का एडमिट कार्ड है मैं कहूंगा नहीं ये नाम गलत छपा है तो कहेंगे आपने नाम ठीक क्यों नहीं कराया क्योंकि मैं बेवकूफ था मैंने आठ तारीख को ही अपना एडमिट कार्ड खोला नौ को पेपर है तो जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा अराउंड दस पंद्रह दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाता है जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा उसको खोल के अच्छे से चेक करना है रीड करना है सारी डिटेल्स बच्चे क्या करते हैं सिर्फ वेन्यू को रीड कर लेते हैं सिर्फ रीड कर लेते हैं कि हाँ मेरा पेपर यहाँ पे है कि नहीं ये छोटी -छोटी सी ना बहुत तंग करती हैतना हो तो मेरे को पेपर में जाने भी लेकिन एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा करके बहस करेंगे ना मेरे से मेरे दिमाग की वैसे ही ऐसी हो चुकी होगी दिमाग की पूरी तरह से दही हो चुकी होगी मेरा पेपर देने का वैसे ही मन नहीं करेगा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है ठीक है ना उसके बाद ये सब जनरल से पॉइंट है कि ई एडमिट कार्ड की सेफ्टी आपको रखनी है ऑल राइट एंड ये सब फालतू की बातें हैं कंडक्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट सीटिंग प्लान आप जब अपने सेंटर पे पहुंचोगे वहां पर आपको दिखा दिया जाएगा ऑल राइट right, और उसके बाद ओ एम आर शीट कैसे भरनी है ये सारी जनरल सी इंफॉर्मेशन हैं ये आपको वहां पर भी मिलती हैं ओके okay, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो जनरली कोई शेयर नहीं करता कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है अगर कोई डायबिटिक है या कुछ है उनको वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है लेकिन आपका एग्जाम दो घंटे का है दस बजे शुरू होगा अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आपने वो इलेवन थर्टी से पहले चले जाना है ताकि आपको क्योंकि इलेवन थर्टी से ट्वेल्व के बीच में वॉशरूम जाने नहीं दिया जाएगा तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है कोई डायबिटिक है या कोई भी प्रॉब्लम है और उनको वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है तो 11:30 से पहले आप इंश्योर करें 11:15 11:20 के आसपास आप इन्विलिजेटर से परमिशन लेके एक बार वॉशरूम हो आना ठीक है ताकि आपको फिर दिक्कत ना आए ऐसा नहीं होना चाहिए कि साढ़े से बारह के बीच में आपका बैठना मुश्किल हो गया वहां पर आपको किया नहीं जाएगा जाने के लिए। और चेक भी करनी होती है, कि ठीक से भरा है या नहीं ठीक है ना वहां पर गलती नहीं होनी चाहिए तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो है आपने ध्यान में रखनी है उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो क्या है ये भी मैं हर बार देखता हूँ मतलब मैं इतने सालों से मैं खुद भी पेपर दे रहा हूँ मैं हर बार देखता हूँ हर यूपीएससी के पेपर में बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा होता है कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर आना होता है पर वहां पर बच्चे अनजान बन जाते हैं है? ब्लैक बॉल पेन लाना था पता ही नहीं था यार हमको तो फिर वहां क्लास में मांगते फिरेंगे यार तेरे पास एक्स्ट्रा पेन है यार तेरे पास एक्स्ट्रा पेन है पूरी क्लास में रौला पड़ जाता है और दो मिनट के अंदर अंदर आने वाली दस क्लासें होती हैं जो साथ में उनके अंदर रौला पड़ जाता है कि पेन नहीं है काले और हर पेपर में लिखा होता है यूपीएससी के हर पेपर में होता है कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन चाहिए क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अच्छा पढ़ने की भी दिक्कत नहीं होती दिक्कत क्या होती है नौ तारीख को पेपर है वो आठ तारीख तक तो पेपर के तैयारी के बारे में सोचते ही नहीं कि पेन भी लेके जाना है एडमिट कार्ड भी निकालनी है फेविस्टिक भी चाहिए फोटो भी चिपकानी है फोटो भी चाहिए वो सुबह नौ तारीख को देखेंगे यार मेरे पास तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन भी नहीं है मेरे पास मेरी फोटो भी नहीं है पासपोर्ट साइज अब मैं कहा फोटो खिंचवाऊँ ठीक है मेरे पास फेविस्टिक नहीं है फोटो चिपकाने के लिए कुछ नहीं होता उनके पास

इधर उधर गिर जे ठीक है तो काम आएगा दान दक्षिणा करने के काम आएगा दुआएं लगेंगी क्योंकि तुम्हारी क्लास में भी ऐसे लोग होंगे जो ब्लैक पेन नहीं लेके आए होंगे तो तीन में से एक आपने देना है अच्छा अगर आप तीन बॉल ब्लैक बॉल पेन लेके जा रहे हो मेरे बच्चे सारे ध्यान द्या, ध्यान से बात सुनो तीन ब्लैक बॉल पेन लेके जा रहे हो जब आप क्लास में बैठ गए आपकी जेब में अभी भी तीन पेन है ठीक है आपकी क्लास में अगर कोई ब्लैक बॉल पेन नहीं लेकर के आया है तो तीन में से एक आप जो है दान दक्षिणा कर सकते हो डोनेट कर सकते हो चैरिटी कर सकते हो एक पेन की लेकिन आपके पास एक, एक एक्स्ट्रा पेन हमेशा आपकी जेब में रहेगा ठीक है तीन में से एक चला गया दो बचे अब फॉर एग्जाम्पल क्लास में एक और नमूना है जो पेन नहीं लेके आया तो चाहे कुछ हो जाए आपने अपना ये एक पेन उसको नहीं देना आपको शायद ऐसा लग रहा हो सर ये क्या आप सेल्फिश सी बातें कर रहे हो मैं बिल्कुल सेल्फिश वाली बातें कर रहा हूं मुंह पे बोल रहा हूँ दो पेन हमेशा आपके पास होने चाहिए एक पेन चाहे वो रो रहा हो क्लास में बैठा जाने बाकी के बच्चे जाने तुमने नहीं देना अपना पेन अगर क्लास पेपर करते हुए वो पेन खराब हो गया या वो पेन जो तुम्हारे पास है वो गिर गया और तुमने दूसरा पेन भी उसको दे दिया दान दक्षिणा कर दिया उसका उसका चैरिटी कर दिया तो तुम तुम्हें कौन संभालेगा पेपर के बीच में ठीक है पेपर की स्टार्टिंग में दस बजे तो शायद उसको पेन अरेंज करके दे भी देगा इनविलीजेटर तुम्हारा साढ़े ग्यारह बजे पेन खत्म खराब हो गया जब तुमने ओ एम आर शीट भरना है तब तुम्हारी सहायता करने कोई नहीं आएगा तो लालची बनो वो बेवकूफ है जो पेन नहीं लेके आया उसके लिए तुम ना बुरा फील करो उसकी गलती है उसकी गलती की सजा खुद भुगतने के लिए मत बैठ जाना ये बात मेरी ध्यान से ध्यान द्या, रखना दूसरा मास्क जरूर लेके जाना है

अपना हैंड सैनिटाइजर लेकर के जा सकते हो ये कंपलसरी नहीं है अगर लेकर के जाना चाहते हो तो ले जाओ नहीं लेकर के जाना चाहते तो मत लेके जाना लेकिन वो एक लीटर वाली बॉटल उठा के मत ले जाना छोटी सी जो 100 एम 50 पचास की शीशी आती है ना 25 30 रुपए वाली वो लेकर के जाना और वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ठीक है और कोविड नॉर्म्स के जो है सारे आपने फॉलो करना है सोशल डिस्टेंस रखना है पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है ये किसी और के लिए नहीं अपने खुद के लिए करना अपने पेरेंट्स के लिए करना क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ नहीं पता ध्यान पूरा रखना है आपने किसी से ज्यादा हाथ पैर नहीं मिलाने किसी से ज्यादा मिलना मिलना नहीं है करोना नहीं होना चाहिए आपको पेपर तो होते जाते रहेंगे ये चीज नहीं होनी चाहिए ठीक है चलो तो ये थी आपकी पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसके बाद जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये जनरल ही हैं इनमें ऐसा कुछ बहुत ज्यादा समझने वाला नहीं है एडमिट कार्ड से रिलेटेड और ये सारी चीजों से रिलेटेड है ओके और पीएच एच कैंडिडेट्स के लिए ये जो फिजिकली चैलेंज और डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पोस्ट्स वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर इश्यूज गिवन है उसके अलावा कुछ इसमें खास नहीं है अपना ज्यादा डिस्कस करने वाला एंड मोबाइल फोन्स और आईटी गैजेट्स आपको पता ही है किसी भी पेपर में नहीं लेके जाने होते ठीक है बच्चे मोबाइल फोन्स लेकर के क्लास में घुस जाते हैं मुझे समझ नहीं आता वो बच्चे कौन से होते हैं पर आपने ये हरकतें नहीं करनी है और मोबाइल फोन ना वहां पर जमा कराने का मत करना अगर आपके पास व्हीकल है कार है तो तो कार में रख देना ठीक है अगर आपके साथ कोई जा रहा है फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स जा रहे हैं या आपका भाई जा रहा है आपकी गर्लफ्रेंड जा रही है आपका बॉयफ्रेंड जा, जा रहा है आपका भाई जा रहा है आपकी बहन जा रही है तो अपना फोन उसको पकड़ा देना घड़ी भी पकड़ा देना कई बार घड़ी भी नहीं लेके जाने देते कोई जरूरत नहीं है घड़ी की वो अंदर टाइम बताते रहते हैं आपको तो उनको पकड़ा देना वो लाइन में लग के फोन जमा करना घड़ी जमा करना उसमें ना इरिटेट हो जाता है बंदा और वैसे भी गर्मियां शुरू हो गई हैं दस बजे सूरज निकल जाता है नॉर्थ इंडिया में वो अगर आप ठीक है वो गर्मी में सर तुम्हारा और दुखने लग जाएगा तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना पेरेंट्स को अगर ये डर है कि गर्लफ्रेंड का मैसेज जा आ जा जाएगा पीछे से मम्मी पापा देख लेंगे तो फोन पर लॉक लगा के फोन ऑफ कर देना ताकि वो अगर ऑन भी कर लें तो लॉक के बिना वो खुल ना सके ठीक है लेकिन उनको दे जाना फ़ोन और चलो तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं इसको नोटिफिकेशन आ चुके हैं जैसे ही एडमिट कार्ड जाएंगे आपको वो अपडेट भी मैं दे दूंगा ठीक है और कोई क्वेरी हो कोई डाउट हो कोई चीज ना समझ आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर देना नहीं तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो नाइन जीरो फोर वन टू डबल फोर सिक्स एट नाइन के ऊपर या फिर आप मेल कर सकते हो शिक्षित एट द रेट जी मेल पर ठीक है कुछ भी कर सकते हो कमेंट कर दो इस पे मेल कर दो नंबर पे व्हाट्सएप कर दो तुम्हारी मर्जी है right, चलिए मिलते हैं फिर तैयारी वाली वीडियोज में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय